नेगेटिव वाइब आ रही है मुझे यहाँ से, तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई। गलत जगह आ गया, वो मुझे भूतों वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि पूरे गांव में कोई भी नहीं है। पेड़ वगैरह सब दीवारों पे गिरे हुए हैं, सबके घर टूटे फूटे मिट्टी के बने हुए हैं। गंदी फीलिंग है इस गांव में, निकलना पड़ेगा। वेरी गुड दादाजी, अपनी टोपी साथ लेके चलते हैं और कुर्सी और जैकेट है। सामने बकरियां चरा रहे हैं भाई। कि यहाँ पे जब किसी की डेथ हो जाती है तो कोई रोता नहीं है। लोगों ने बड़ी सी गाने की और नाचने की स्टेज लगा रखी है, खाने का प्रोग्राम कर रखा है। हेलो, ऐसे होते हैं भाई लोगों के खेतों में पानी देने के लिए कमरे और ये ट्यूबवेल। जितने भी आसपास के गांव वाले हैं वे बकरियां बहुत ज्यादा चराते हैं, मुर्गी पालते हैं, बत्तख पालते हैं और भैंस गाय यहाँ पे नॉर्मल है। मुर्गी बत्तख भेड़ बकरी सब कुछ अंदर है भाई घर के। गुड ओले बाय बाय से वसुदेव कुटुंबकम। मेरा नाम है दीपक और स्वागत करता हूँ भाई आप सभी का चाइना सीरीज की एक और नई वीडियो में। तो अभी मैं हूँ बीजिंग सिटी, द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना के रेलवे स्टेशन। 48 घंटे के बाद जो मेरा वीज़ा है चाइना का वो एक्सपायर हो जाएगा, तो मुझे 48 घंटे के अंदर इस देश को छोड़ना है। तो इसके लिए मैं जा रहा हूँ आज अपने 24 घंटे बिताने के लिए इनर मंगोलिया की एक सिटी, उलंगकाब सिटी, जो कि बिल्कुल बॉर्डर से लगभग 200 से 250 किलोमीटर दूर है मंगोलिया के बॉर्डर से। तो उस सिटी को मैं अगले 22 घंटे के लिए एक्सप्लोर करूँगा, उसके बाद मैं ट्रेन लेके पहुँच जाऊँगा मंगोलिया के बॉर्डर पे और बाय रोड मैं अपना बॉर्डर क्रॉस कर लूँगा। स्टेशन पे बैठा हुआ हूँ, सामने जो गेट है 6A 5A, वहाँ से मेरी ट्रेन जाने वाली है अगले 25 मिनट के अंदर। ये वाली ट्रेन है भाई और इसकी मैंने जो टिकट बुक किया है वो की है 116 युआन में। इसमें मुझे सीट नहीं मिली है बैठने के लिए, तो मैं अपना लगेज रख के कहीं भी दरवाजे में खड़ा रहूँगा, लेकिन लगेज रखने के भी जगह नहीं है तो यहाँ रख देते हैं भाई। ऐसी कुछ दिखती है भाई अंदर से ट्रेन, मैंने जो अपना लगेज है यहाँ ऊपर रख दिया है, क्योंकि लगेज रूम पूरा गंदे तरीके से भरा हुआ है भाई, नीचे तक बैग रखे हुए इसमें। बिल्कुल लास्ट मोमेंट ट्रेन स्टेशन पे आकर इसकी टिकट बुक की है, जो कि पड़ी 116 युआन मतलब कि 1400 इंडियन रुपए। यहाँ की जो लोकल ट्रेन होती है उसमें आप किसी भी सीट पर बैठ सकते हो, लेकिन जो बुलेट ट्रेन है उसकी आप किसी भी सीट पर जाकर नहीं बैठ सकते अगर सीट नहीं है तो, ऐसा कुछ रूल है इन ट्रेन का। इसकी जो टॉप स्पीड है वो लगभग 250 किलोमीटर के आसपास है भाई। फाइनली भाई 2 घंटे के सफर के बाद मैं पहुंच चुका हूं उलंगकाबाब, जो कि एक काफी छोटी सी सिटी है इनर मंगोलिया के अंदर। और ऐसा कुछ है सिटी का पहला इम्प्रेशन, काफी खुली हुई सिटी है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, छोटी छोटी बिल्डिंग है। सिटी को देखकर मुझे याद आ रहा है सेंट्रल एशिया, यानी कि कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान, कुछ ऐसा ही दिखता है। हालांकि सिटी के जो रोड है ये भी बिल्कुल मखमल की तरह है भाई। और मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप की तरफ सामने। हेलो निहाओ, इंडिया सब लोग इधर टैक्सी की तरफ जा रहे हैं, मुझे नहीं जाना, अभी भी बैठा हूँ भाई। ये छोटा सा बस स्टॉप है और मैं लगेज यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ बस का यहाँ से सिटी सेंटर जाने के लिए, क्योंकि जो रेलवे स्टेशन है काफी ज्यादा बाहर है भाई, सिटी से हद से ज्यादा बाहर। छोटा सा बस स्टैंड है, गर्मी हद से ज्यादा है भाई, हद से ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। बस सर्विस कितनी ज्यादा खराब है यहाँ पे, हद से ज्यादा। 1 घंटे बाद एक बस आई है, मैंने एक घंटा वेट किया, 1 घंटे बाद ये बस आई है 33 नंबर, और लगभग 8 से 10 लोग इस बस में बैठे हुए हैं। ये था रेलवे स्टेशन। क्या सिटी है भाई, सामने होटल देखो, सिटी के अंदर क्या बढ़िया बना रखा है। गलती से गलत जगह पहुंच चुका हूं, लेकिन शायद आज जिंदगी में कुछ नया होने वाला है मेरे साथ। थोड़ी देर बाद मैं बस से उतर के आपको पूरी कहानी बताता हूं। भाई काफ़ी अजीब सी जगह पे मैं आ चुका हूँ, आसपास का एरिया देख के लगेगा पता नहीं मैं कहाँ आ गया। ये वाली बस थी 33 नंबर, जिससे मुझे जाना था भाई सिटी सेंटर की तरफ, लेकिन जैसे ही मैं बस में बैठा ये गई उल्टी डायरेक्शन में सिटी से बाहर। तो मैंने सोचा क्यों ना जिंदगी अगर मुझे कहीं लेके जाना चाहती है तो उसके साथ चला जाए। हवा काफ़ी ज़्यादा तेज है और मैं पहुंच चुका हूं काफ़ी अननोन जगह चाइना की, जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई। आसपास जितने भी है गांव है भाई, और ये गांव के घर है इनर मंगोलिया में। और इधर देखो जवार बो रखी है, जैसे हमारे हरियाणा यूपी राजस्थान में इस टाइम पे जवार की खेती की जाती है ना, सामने भाई जवार की खेती कर रखी है। इधर बस चलती रहती है। हेलो,
मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था मैं यहाँ पहुँच पाऊँगा, बस ज़िंदगी मुझे खुद लेके आ गई आज भाई। काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है, हद से ज़्यादा तेज़ हवा है भाई। सामने घर देख लो, घर कैसे होते हैं भाई, पेड़ कितने बढ़िया है, चारों तरफ हरी घास है, दूर दूर तक खुले मैदान है, इधर कोई जेसीबी या छोटी सी कंपनी है भाई किसी की, और थोड़ा सा चलते हैं उधर की तरफ में कोई गांव दिख गया या उधर की तरफ में कोई गांव मिला तो गांव में चलेंगे अभी। हेलो, ये दादाजी है भाई यहाँ पे गांव में जो अपनी बकरियाँ चरा रहे हैं। निहाओ माँ, हाओ हाओ हिंदू 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 दा जाओ तू जा हिंदू दा। ये दादाजी है भाई गांव में और सामने बकरियाँ चरा रहे हैं, अपनी कुर्सी साथ में लेके आया है, टोपी हाँ टोपी टोपी तो भाई ये टोपी देखो वेरी गुड दादाजी अपनी टोपी साथ लेके चलते हैं और कुर्सी और जैकेट है, सामने ये बकरियाँ चरा रहे हैं भाई। से बाय बाय से देखो गांव के अंदर चाइना ने अपना झंडा लगा रखा है, ये इनर मंगोलिया है भाई। इनर मंगोलिया वही मंगोलिया जो पहले चाइना का हिस्सा नहीं हुआ करता था, लेकिन काफी सालों पहले भाई चाइना का हिस्सा बना लिया गया। गांव दिखाता हूँ, चलो अंदर चलते हैं गांव के भाई, कैसा मिलता है मुझे गांव, मौसम कितना बढ़िया है इनर मंगोलिया का भाई, हवा हद से ज्यादा तेज है। तो उम्मीद है आपको मेरी आवाज और मैं काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिजली की तारे देखो भाई कैसे बना रखी है, एंड रोड पक्के है गांव के अंदर, सुनसान गांव है, मुझे अभी तक कोई भी दिखाई नहीं दिया है। बस पीछे दादाजी मिले थे जो बकरियां चरा रहे थे अपनी। घर है भाई जिनकी दीवारें ज्यादा कमजोर होकर टूट चुकी है, तो लोगों ने लकड़ी लगा के अपनी दीवारों को बचाया हुआ है। घर के अंदर अभी तक मैं 4 घर देख चुका हूँ, उधर से उधर तक पूरे गांव में मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया है। बिल्कुल सामने बस 2 गाड़ियां खड़ी है, गांव पूरा खाली पड़ा है, सामने से कोई अंकल आ रहे हैं अपनी छोटी सी बाइक पर। हेलो निहाओ निहाओ भाई, इतनी दूर इनर मंगोलिया में भी जो लोग हैं वो बाइक अपनी ई बाइक यानी कि बिजली वाली बाइक बैटरी वाली बाइक चलाते हैं। यहाँ लोगों के घर के दरवाजे देख लो भाई कैसे हैं, लकड़ी के दरवाजे हैं और बिल्कुल कवर नहीं है, खुले घर बना रखे हैं, अंदर साइकिल खड़ी हुई है और जो घर है अंदर से कच्ची ईंटों से बना हुआ है भाई। यहाँ सामने खड़े हुए चाइना के ट्रैक्टर, स्प्रे करने की मशीन, बड़ी सी टंकी जिससे लोग अपने इन खेतों में जो है बैक्टीरिया का छिड़काव करते हैं, मतलब कि दवाइयों का छिड़काव करते हैं। इधर भाई कुछ खेती करने की मशीनें पड़ी हुई है, एंड काफ़ी बढ़िया चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लो एक ट्रैक्टर खड़ा है, इसके साथ ट्रेली खड़ी है भाई, बिल्कुल इंडिया वाली वाइब आ रही है। उसके पीछे एक और ट्रैक्टर खड़ा हुआ है भाई। तो ये ऐसे कुछ होते हैं भाई चाइना के ट्रैक्टर ट्रेली, और इधर पानी की टंकी रखी हुई है बिल्कुल। इधर ये बड़ा सा ट्रैक्टर है भाई, ट्रैक्टर की ऐसी कुछ मशीनें होते हैं खेत जोतने के लिए, एंड ऐसा उनका घर है भाई जिनका ये ट्रैक्टर है। इधर भी कुछ मशीनें हैं और लोगों ने दूर दूर तक भाई खेती कर रखी है, खेती में यहाँ पे जवार बो रखी है। हम इंडिया में अपने खेतों में पानी देने के लिए ट्यूबवेल बनाते हैं ना भाई, ऐसे ही चाइना में लोगों ने अपने ट्यूबवेल बना रखे हैं समरसीबल, और यहाँ से लोहे का पाइप जैसे अपने इंडिया में निकलता है, नीचे पानी आता है, फिर यहाँ भाई खेतों में पानी दिया जाता है। अंदर से दिखाता हूँ इनके जो ट्यूबवेल होते हैं वे कैसे होते हैं। तो ऐसा कुछ इनका पानी का सिस्टम होता है भाई, देख लो कैसा दिखता है, अंदर नीचे कुआं तो नहीं है, मोटर डाल रखी है, ये सब स्टार्टर है बोलते हैं भाई हमारे हरियाणा में, मतलब इससे ही पानी को ट्यूबवेल को चलाया जाता है। अंदर से ऐसा दिखता है भाई, कच्ची ईंटों से बना रखा है, कैसी ईंटें हैं, छोटी छोटी ईंटें हैं, हमारे इंडिया में तो भाई काफी बड़ी इतनी मोटी ईंटें होती है, बिल्कुल छोटी छोटी टाइल है, और दरवाजा वगैरह कुछ भी नहीं है भाई, किसी ने बस छोटा सा फट्टा डाल रखा है, फट्टे से कुत्ते बिल्ली अंदर ना जाए। ऐसे होते हैं भाई लोगों के खेतों में पानी देने के लिए कमरे, और ये ट्यूबवेल समरसीबल कुछ ऐसे होते हैं भाई। जो बिजली की तार है देखो यहाँ से उधर गांव में से बिजली की तार बिछा रखी है। चाइना में जो सिटी के अंदर इन्होंने अपने रोड बना रखे एकदम मखमल जैसे रोड है भाई, जैसे गांव के रोड में देखता हूँ तो ऐसे ही खड्डे मुझे देखने को मिलते हैं, जैसे खड्डे हमारे इंडिया के रोड में होते हैं। खड्डों को भरने के लिए हम इंडिया में छोटी छोटी भाई टुकड़ियां लगा देते हैं रोड रिपेयर करने के लिए, ऐसे ही चाइना में भी भाई रोड को रिपेयर किया गया है। चाइना भी बिल्कुल इंडिया जैसा है भाई, यहाँ के रोड भी खराब है, और इधर कोई कच्चा सा रास्ता गया हुआ है खेतों की तरफ, बिल्कुल जैसे अपने इंडिया में कच्चे रास्ते होते हैं खेतों में, ऐसे ही कच्चे रास्ते चाइना के अंदर भी है भाई। और यहाँ सामने भाई मुझे एक छोटा सा गाँव दिखाई दे रहा है, सभी घर मिट्टी के बने हुए हैं। तो चलो भाई गाँव के अंदर चलते हैं, क्या ही होगा भाई, बढ़िया एक्सपीरियंस होगा लाइफ में, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। कच्चे रास्ते हैं, कच्चे रास्तों से जा रहा हूँ मैं, इधर खेती कर रखी है तो इधर भाई कुछ जंगली घास उगी हुई है। ऐसा गाँव भाई इसमें कोई रहता ही नहीं है, सभी घर देखो मिट्टी के थे, टूटे हुए हैं,
सामने पक्का घर है, उसकी खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर रखा है। इधर कुछ घर है, कुछ पेड़ है फल फ्रूट के लिए, और उधर सामने भी कुछ घर है। ये देख लो कैसे टूटे फूटे घर है भाई, इनर मंगोलिया के अंदर, चाइना के अंदर आता है। जो घर के अंदर का दरवाजा है वो सब बंद कर रखा है लकड़ी से। ये भूतों वाला गांव वगैरह तो नहीं है भाई, मैं गलत तो नहीं फंस जाऊंगा, गलत तो नहीं हो जाएगा कुछ मेरे साथ भाई? मुझे लग रहा है मैं गलत जगह आ गया हूँ, मुझे भूतों वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि पूरे गांव में कोई भी नहीं है, अबेंडन गांव है, कोई भी नहीं रहता है, पेड़ वगैरह सब दीवारों पे गिरे हुए हैं, सबके घर टूटे फूटे मिट्टी के बने हुए हैं, बिजली की तारें जा रही है लेकिन सामने देखो सबके घर टूटे हुए हैं। नेगेटिव वाइब आ रही है मुझे यहाँ से, तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई, क्योंकि अजीब अजीब है यहाँ पे। ये देखो कैसी हालत हो रखी है गांव की, पूरा अबेंडन गांव है भाई, कोई नहीं रहता, घर वगैरह सब कुछ ऐसे दिख रहे हैं जैसे कोई भूतों की फिल्म की शूटिंग हो सकती है, या फिर रात को यहाँ पे भूत तांडव करते हैं, नाचते हैं भाई। बड़ी गंदी फीलिंग है इस गांव में, निकलना पड़ेगा, क्योंकि सच सच कह रहा हूँ, हंसी आ रही है मुझे लेकिन अजीब भी लग रहा है, तो मैं निकल रहा हूँ भाई गाँव से। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये देखो जंगली घास यहाँ पे उगी हुई है गांव में चारों तरफ। ये देखो छत वगैरह सब कुछ टूटा हुआ है। ये गांव था भाई, मैं बाहर निकल के आ गया हूँ, वापस हाईवे पे रोड पे आ गया हूँ भाई। यहाँ तो कुछ अजीब ही चीजें थी अंदर, काफी अजीब लगा मुझे। तो लगभग 2 से 3 किलोमीटर आगे एक और गांव है छोटा सा, उसमें चलते हैं अभी। सामने एक अंकल जी बकरियां चला रहे हैं भाई, सब बकरियां मेरी तरफ देखने लग गई भाई। मैं हेलो लुकिंग एट मी भाई, सब बकरियां मुझसे डर के भाग रही है, और देखो चेहरा इनका सब मेरी तरफ देख रही है। हेलो निहाओ, निहाओ 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 मा सोमा निहाओ मा गुड इंदोदा नीस यंग का दिया इंदो इंदो इंदोदा लियांग दू दिया इंदोदा इंडिया बकरी आ योर योर अंकल जी की बकरियां भाई, और सब बकरियां मुझे देख के भाग गई है। नाम नाम मी दीपक दीपक यू तू क्या ये चाइनीज मी नो 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 अंकल जी को इंग्लिश नहीं आती, मुझे चाइनीज नहीं आती। हाँ चीना या इधर इंदो इंदो आई टेल यू आई टेल यू अंकल जी की बकरियां भाग गई भाई। ओके बाय बाय से अंकल जी को ट्रांसलेट करके मैंने बताया कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ और आपका गांव घूम रहा हूँ, मुझे ही चाइनीज नहीं आती भाई, अंकल जी को इंग्लिश नहीं आती, बात करे तो कैसे करे हम लोग भाई, बकरियों से बात कर ली मैंने थोड़ी सी। हमने गांव है भाई, और गांव के बाहर यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट बना रखे है, वो लेडीज के लिए लेडीज लिखा हुआ है, ये आदमी के लिए आदमी लिखा हुआ भाई, ये पब्लिक टॉयलेट बना रखे है गांव के बाहर। और इधर भाई कचरे का कूड़ादान बना रखा है, गांव वाले सब अपना कचरा जो है इस खड्डे में डालते हैं। और इधर भाई गाय का गोबर डला हुआ है, जैसे हमारे इंडिया में जो गाय का गोबर होता है फिर हमसे उबले बनाते हैं, हरियाणा में बोलते हैं गोसे, इनसे बने हुए उबले या फिर गोसे भाई हम अपने चूल्हे में डाल के आग लगा के रोटियां बनाते हैं, तो चाइना में भी ऐसी कुल्डी बोलते हैं भाई, हमारे हरियाणा में कुल्डी होती है, मतलब कि भाई गाय के गोबर भैंस के गोबर का ढेर भाई। मुझे इंडिया वाला लग रहा है, सबसे सब इंडिया है अपना। अभी मैं जा रहा हूँ गांव के अंदर भाई, देखते हैं मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस होता है, मुझसे बात करने के लिए मुझे कोई इंसान मिलता है कि नहीं मिलता है। ये किसी का घर है भाई, सामने कुत्ता भौंक रहा है, ट्रैक्टर खड़ा हुआ, ट्रेली खड़ी हुई है, जनरेटर भी है भाई जो हम अपने खेतों में पानी निकालने के लिए यूज करते हैं जमीन से। कैसे घर है भाई अंदर से ये देखो, बिल्कुल देसी गाँव है ये, बिल्कुल देसी गांव, इससे बढ़िया गांव मैंने मुझे नहीं लगता किसी भी यूट्यूबर ने आके दिखाया है भाई। तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। गांव के अंदर जा रहा हूँ। हेलो निहाओ, हेलो निहाओ। यहाँ पे भी गांव में भाई जो गोबर है वो डला हुआ है कचरा, ऐसा कुछ गांव दिखता है भाई अंदर से। घर देख लो कैसे होते हैं, ये सामने वाला घर है, घर के अंदर में मुर्गी बत्तख घूम रही है भाई, मुर्गी बत्तख भेड़ बकरी सब कुछ अंदर है भाई घर के, और कुत्ते भौंक रहे हैं भाई, मैं पता नहीं कहाँ से आ गया ये बत्तख है। घरों के अंदर से कुत्तों की आवाज़ आ रही है, किसी ने खुला छोड़ दिया तो मेरी लेने की देनी हो जाएगी भाई। गाँव की गलियाँ देखो कैसी है, और गांव के घर देखो कैसे बने हुए हैं भाई, काफी कमाल का गांव है। तो इसे बोलते हैं चाइना का बिल्कुल देसी गांव, देसी 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 गांव भाई। किसी का खाली प्लॉट है,
प्लॉट के बाहर भाई गाय का गोबर डाला हुआ है। और यहाँ सामने से आपको ये पूरा गांव दिखाई देगा भाई, सामने खेती कर रखी है, गांव बिल्कुल घास के मैदान और ऊपर पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है बिल्कुल, इसलिए किसी भी टाइम बारिश आ सकती है। सामने गांव के बाहर खाली जमीन पर लोगों ने अपना कब्रिस्तान बना रखा है, काफी ज्यादा जो लोग है जो गाँव में मरे थे उन सबको यहाँ गांव के बाहर कब्रिस्तान के अंदर दफनाया गया है भाई। तो गांव में अगर ऐसे कब्रिस्तान है तो गांव में जो लोग है वो शायद मुस्लिम लोग है। मुस्लिम लोगों के लिए चाइना में काफी ज्यादा अलग रूल है, बाकी देशों में जो मुस्लिम लोगों के रूल होते हैं बड़ी दाढ़ी रखना, मूछे ना रखना, वो सब रूल चाइना में नहीं लगते भाई। चाइना में मुस्लिम लोगों का रूल है कि आप दाढ़ी मूछ कुछ भी नहीं रख सकते, आपको बिल्कुल साफ चेहरा रखना पड़ेगा। तो इधर सामने से एक दादाजी भाई अपने खेतों में काम करके आ रहे हैं और बारिश आ गई है भाई, बादल काफी कड़कने लगे हैं, बारिश आ गई है थोड़ी। हेलो निहाओ निहाओ, अरे क्या हो गया दादाजी? यू गोइंग मी भाई, बारिश आ गई है और आसपास में कुछ भी नहीं है, बस का भी कोई भरोसा नहीं है किस टाइम आएगी, और बारिश में मेरा लैपटॉप बैग है काफी दिक्कत होने वाली है, मुझे इसको बचा के रखना पड़ेगा। हेलो, गाड़ी रुकवा रहा हूँ कि कोई गाड़ी रोक दे, बैठ के निकल जाऊँ बारिश में, रोकी नहीं भाई, बारिश में तो दिक्कत हो जाएगी यार, वीडियो ख़राब हो जाएगी। गांव एक्सप्लोर करने आया हूँ, आगे 2 किलोमीटर पे गांव है, मुझे गांव पहुँचना है। बारिश से खुद को बचाने के लिए मैं इस रोड के फ्लाईओवर के नीचे आके खड़ा हो गया हूँ। अभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई है भाई, और अगर मेरे इस बैग में पानी गया तो मैं लैपटॉप, पावर बैंक, मेरा पासपोर्ट सब खराब हो जाएगा। तो लगभग 2 से 3 घंटे मैं इस फ्लाईओवर के नीचे रुक जाऊंगा जब तक बारिश नहीं बंद होगी। और बिल्कुल सामने छोटा सा गांव है, मुझे इस गांव में जाना है बारिश बंद होने के बाद। तो जब तक बारिश बंद नहीं होती है यहीं पे बैठ के अपना टाइम काट लेंगे, उसके बाद फिर से किसी गांव में चलेंगे उसको एक्सप्लोर करने के लिए। मेरे बिल्कुल सामने गांव है, इसमें चलेंगे भाई। और जो लोग रोड पे आ रहे हैं ना, वे मेरी तरफ इस तरीके से देख रहे हैं, पता नहीं मैं दुनिया के किस कोने से उठ के काला सा इंडियन इंसान यहाँ चाइना में आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों को भाई बाहर का टूरिस्ट देखने की कोई आदत नहीं है, इन्होंने कभी टूरिस्ट नहीं देखा है। तो ये लोग ना बड़ी गौर से और बड़े ध्यान से देखते जाते हैं कि ये कौन है बंदा। और गाड़ी रुकवाता हूँ मैं आगे गाँव में जाने के लिए, कोई गाड़ी नहीं रोक रहा है भाई, क्योंकि लोग स्माइल दे देते हैं लेकिन कुछ लोग काफ़ी अजीब सा चेहरा बना के अपनी गाड़ी भगा लेते हैं। पीछे कांटे थी, मैंने उनसे लिफ्ट मांगी थी भाई, अपनी ई रिक्शा चला रही थी, खेतों से आ रही थी, गांव की तरफ जा रही थी, मैंने बोला आंटी रोको रोको रोको, आगे चलो आगे चलो, भाई गाड़ी इतनी तेज़ भगा ली उन्होंने, भाग के निकल गई वो। बारिश है, लगभग बंद हो चुकी है भाई, बस 30 मिनट मुझे लगभग वेट करना पड़ा, बारिश बंद हो चुकी है। तो चलो चलते हैं भाई गाँव में। आया था मैंने कोल्ड ड्रिंक को कुछ ये खरीदा है, लेकिन इस गांव में भाई किसी की मम्मी की जान जा चुकी है, तो वो सामने उनकी मम्मी है, उनकी फ़ोटो लगी हुई है, लोगों ने फूल माला चढ़ा रखी है, वो सामने उनकी फ़ोटो लगा रखी है, उनकी डेथ हुई है। और यहाँ पे भाई चाइना का बड़ा अजीब चीज़ लगी, किसी के मरने के बाद यहाँ पे गाने गाए जाते हैं, संगीत बजाया जाता है। हेलो निहाओ, थैंक यू, सी बाय बाय। पीछे एक सुपरमार्केट थी और सुपरमार्केट के पास कुछ गाने और संगीत का माहौल था, तो मुझे लगा पता नहीं कोई फेस्टिवल है, किसी की शादी है। तो मैं सुपरमार्केट गया, एक मैंने कोल्ड ड्रिंक खरीदी, तो पूछा लोगों से कि क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि इस लड़के की माँ जो है उसकी डेथ हो चुकी है। और चाइना का कल्चर मुझे काफ़ी अजीब लगा कि यहाँ पे जब किसी की डेथ हो जाती है तो कोई रोता नहीं है, लोगों ने बड़ी सी गाने की और नाचने की स्टेज लगा रखी है, खाने का प्रोग्राम कर रखा है, और उसके साइड में कुछ लोगों ने फूल चढ़ा रखे हैं, जिस आंटी जी की भाई डेथ हुई है उनकी फ़ोटो लगा रखी है। और सामने भाई कुछ लेडीज आ रही है गांव की, जो उस शोक सभा के बोले या भी भाई खुशी वाली सभा उसमें जा रहे हैं। हेलो निहाओ निहाओ निहाओ। तो ये सब जो दादी लोग हैं ये सब उनकी शोक सभा में जा रही है भाई, जिनकी डेथ हुई है।
और ऐसा कुछ गांव है भाई तो इस गांव में वीडियो बनाना काफ़ी गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी की डेथ के ऊपर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उस गांव के जो लोग हैं वहीं पे इकट्ठे हुए हैं। तो कुछ लोग शायद हमारे इंडिया के बारे में गलत सोचते हैं कि भाई इंडिया, गलत सोच लेंगे कि भाई इंडिया से आया है, क्योंकि मैंने बताया कि मैं इंडिया से आया हूँ घूमने वहाँ गाँव वालों को, और फिर उनसे पूछा कि गाँव में क्या हुआ है, तो बताया कि भाई उनकी मम्मी की डेथ हो चुकी है। तो फिर मैंने वहाँ पर वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि ऐसे मौके ऊपर शायद वीडियो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मैं इंडिया वाला हूँ, मैं जानता हूँ हमारे लोग मर जाते हैं तो कितना दुख होता है। चाइना की जो कल्चर है वो शायद गाने बजा रहे हैं कुछ भी है, लेकिन दुख तो उनको भी है भाई, तो मैंने वहाँ पे वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं समझा। फिलहाल ये वाला गांव है भाई, लास्ट बार देख लो, अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप की तरफ, मुझे यहाँ से लेनी है बस सिटी सेंटर के लिए, और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ वापस सिटी की तरफ, क्योंकि यहाँ से जो अगला गाँव है वो लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है, और बारिश आ रही है, मेरा लैपटॉप या कैमरा पासपोर्ट वगैरह कुछ भी ख़राब हो गया तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं बस स्टॉप के आसपास ही हूँ, शायद यहीं से मुझे कहीं से बस मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ से गांव ख़त्म हो जाता है और ये वाला गांव यहाँ तक है भाई, शायद यहाँ इस बोर्ड के पास में कहीं से मुझे बस मिल जाएगी। सामने भाई एक और अंकल मुझे मिले हैं जो अपनी बकरियों को गांव के अंदर चरा रहे हैं। इंदो अंकल जी भाई कुछ बात करने आ रहे हैं मेरे से। अंकल जी ने कुछ पूछा है मेरे से भाई। अंकल जी पूछ रहे हैं आप कहाँ से आए हो? यंगदो दा 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 गुड ओले बाय बाय से। तो ये तीसरे अंकल मिले हैं मुझे जो भाई अपने गांव में बकरियां चरा रहे हैं। इससे मुझे पता लगा है जितने भी आसपास के गांव वाले हैं वे बकरियां बहुत ज़्यादा चराते हैं, उसके बाद मुर्गी पालते हैं, बत्तख पालते हैं, और भैंस गाय यहां पे नॉर्मल है, क्योंकि भैंस गाय का चारा बहुत ज़्यादा मैंने देखा है। और ये किसी आंटी का घर है भाई, सामने देखो आंटी घूम रही है। हेलो निहाओ, हेलो निहाओ। और इन्हीं आंटी के घर के बाहर मैं बैठा हूँ बस का वेट कर रहा हूँ भाई, मुझे बस ढूंढनी है यहाँ से कि सिटी के अंदर मुझे कौन सी बस लेके जाएगी। और बारिश हो रही है तो मैंने अपना बैग यहाँ फेंक दिया है भाई, कोई टेंशन नहीं है बैग की चाइना के अंदर। तो मैं ढूंढ रहा हूँ बस कि मुझे बस कहाँ से मिलेगी। तो सामने से बस आ रही है 33 नंबर जो मुझे वापस उतार देगी सिटी के अंदर। हेलो निहाओ, अभी भाई वापस सिटी के अंदर आ चुका हूँ, लेकिन सिटी के अंदर भी काफ़ी तेज़ और बारिश हो रही है, तो खुद को बचाने के लिए छोटी सी छत के नीचे मैं खड़ा हूँ। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मैं सुबह बीजिंग से चला था लगभग 11 बजे, और तो फिर पास में कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, उसमें बैठते हैं, खाना खाते हैं, तब तक बारिश भी बंद हो जाएगी। उसके बाद मैं जाने वाला हूँ जिंग रेलवे स्टेशन, जो कि भाई सिटी का साउथ रेलवे स्टेशन है, ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल सामने वाला रेलवे स्टेशन है, इसमें मुझे जाना है। और यहाँ से कल सुबह 11 बजे मेरी ट्रेन है मंगोलिया बॉर्डर के लिए, मैंने ऑलरेडी बीजिंग से टिकट खरीद ली थी ताकि मैं रेलवे स्टेशन के अंदर अपनी रात बिता सकूँ भाई, क्योंकि यहाँ पे होटल बहुत महंगे हैं, लगभग 80 युआन से होटल स्टार्ट होते हैं, मतलब 1200-1300 रुपये से। रेस्टोरेंट में आ चुका हूँ, काफ़ी कुछ ऑप्शन है खाने के लिए, टेबल पे मेन्यू है, तो मैंने कुछ ऑर्डर किया है, तो देखते हैं वो भाई क्या ही आएगा बन गया, क्योंकि सब कुछ चाइनीज़ में, इंग्लिश में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बस कुछ अच्छा लगे, फ़ोटो अच्छा लगे, किसी भी खाने का फ़ोटो अच्छा लगे तो उसको ऑर्डर कर दो। ऐसा कुछ मिलता है भाई इनर मंगोलिया के अंदर खाना, वेजिटेबल है, पनीर है, टमाटर है, पोटैटो है भाई, काफ़ी बढ़िया चीज़ है, काफ़ी बढ़िया स्मेल आ रही है इसके अंदर से। तो चलो फटाफट खाना ख़त्म करते हैं अपना और सामने चलते हैं रेलवे स्टेशन पर पूरी रात वेट करने के लिए। तो भाई वहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद मैं लगभग मैं स्टेशन पे आ गया था रेलवे स्टेशन पे, और अभी जो टाइम है आप देख सकते हो 12:40 रात का टाइम हो रखा है, बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी है और मैं रेलवे स्टेशन पे बैठा हूँ, जो रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से खाली है भाई, मैं अकेला बंदा बैठा हूँ। इन्होंने रेलवे स्टेशन पे बैठने की परमिशन नहीं दी थी, तो मैंने बोला भाई बारिश हो रही है, मैं कहाँ जाऊँ इस टाइम, और मेरे पास कल की टिकट है जो मैंने बीजिंग से खरीदी थी। तो फिर कुछ ऑफिसर से बात करने के बाद इन्होंने बोला ठीक है आप आराम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लगभग 6 बजे के आसपास मैं स्टेशन आ गया था, और 6 घंटे मुझे हो चुके हैं, और लगभग मुझे मेरी ट्रेन है सुबह 11 बजे, तो लगभग 11 घंटे मुझे इंतज़ार करना है, 10 से 11 घंटे। उम्मीद है भाई आपको गांव वाली वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और आगे चल के काफ़ी स्ट्रगल होने वाला है मंगोलिया और रशिया में,
तो भाई अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, एक लाइक करो, और मिलते हैं कल स्टेशन से ही। मैं दोबारा से वीडियो स्टार्ट करूँगा अपनी मंगोलिया बॉर्डर क्रॉस करने की, कल मैं करने जा रहा हूँ मंगोलिया में एंट्री। तो बने रहिए भाई, देखते रहिए मेरी ये जर्नी, इंडिया से मैं कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। अभी तक कोई देश सेलेक्ट नहीं किया है मैंने, थाईलैंड, लाओस, चाइना, तीन देश मैं कंप्लीट कर चुका हूँ पिछले 2.5 महीने के अंदर। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में भाई, तब तक के लिए बाय बाय।